उज्जैन दक्षिण विधानसभा के विधायक डॉक्टर मोहन यादव शिवराज कैबिनेट के मंत्री बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का हुजूम मंत्री से मिलने के लिए टूट पड़ा। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मंत्री मोहन यादव उज्जैन के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों से मिले। इसके बाद मंत्री मक्सी रोड स्थित नए बने पवासा थाना पहुंचे और उसका लोकार्पण किया। नए थाने पर आईजी राकेश गुप्ता, संभागायुक्त आनंद शर्मा, डीआईजी मनीष कपूरिया, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह मौजूद रहे। महामंत्री मोहन यादव ने कहा कि मक्सी रोड का क्षेत्र काफी बड़ा है, उसे कवर करने के लिए लंबे समय से एक नए थाने की दरकार थी जो कि आज पूरी हुई है। नया थाना बनने के बाद अब पवासा थाने की पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही अच्छे लोगों का साथ देगी। इस दौरान सिटी एडिशनल SP रूपेश द्विवेदी, एडिशनल SP आकाश भूरिया, अमरेंद्र सिंह, CSP पल्लवी शुक्ला, एके नेगी, चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, नवनियुक्त पवासा थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम मौजूद रहे। मंत्री जी बनने पर ही उज्जैन को बड़ी सौगात मिली है, दो थाने का शुभारंभ हुआ, क्या कहेंगे आप? हमारा सौभाग्य की बात है, लाइन ऑर्डर के दृष्टि से जो हमारे लिए उज्जैन में से थाने की सौगात मिली है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारा ये जो इलाका था चिमनगंजी बहुत दूर पड़ता था और ये ग्रामीण बेल्ट यहाँ लंबे तक आगे ताजपुर से आगे तक जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए यहाँ पुलिस बल की थाने की मंजूरी हुई है और उम्मीद कर रहा हूँ कि पुलिस बल की आवश्यकता ही नहीं पड़े, समाज अनुकूल रहे और गुंडे बदमाश पे अंकुश करने के लिए जरूर ये प्रभावी भूमिका निभाए। जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको साथ पुलिस मिलकर चलेगी और गंदे लोगों को छोड़ेगी। विकास को लेकर क्या कहेंगे भविष्य?